बुआ के घर, और मेरी बुआ ने आज मुझे मेरे लिए मतलब गर्म गर्म समोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, जिसको मैं खा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, क्योंकि आज निकल भी रहा हूँ बेटा, तो सोचा बुआ लोग से मिल लो क्योंकि जल्दी आने वाले नहीं है। तो काश मैं आपको समोसे खिला सकता, अब दिखा के लालच में डालूंगा, है बहुत अच्छी है। फाइनली मेरी पैकिंग अब हो रही है और जाने की तैयारी हो रही है नोएडा वापस। उसके बाद पता है मेरे दो ट्रिप्स हैं, वो मैं इस वीडियो एक्सप्लोर नहीं करूँगा, बट हाँ आपको ऑप्शन दूंगा गैस करना कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। सो इधर आना। तो मेरी पैकिंग समझ देख के आप समझ सकते हो मैं क्या पैक करना क्या कर रहा हूँ। और ये रहा मेरा पैक, ये हो रही मेरी पैकिंग, और कुछ सामान मैं बिखेर के भी जाऊंगा क्योंकि कोई तो रहना चाहिए ना मेरा सामान साफ करने वाला। सो मेरी ये पैकिंग हो रही है, और ये है रिया घर की बहुत प्यारी बच्ची, ये बगल में रहती है बट पूरे मेरे घर में एकदम बच्चे जैसे रहती है, पूरा देखती देखती सब कुछ है। और ये हो गई पैकिंग, और ये मेरी मेरे देखो कितने अलमारी में एकदम सब कुछ बढ़िया रखता हूँ, देख रहे हो, माँ कसम मज़ा आ गया। कितनी तगड़ी अलमारी रख देगा कि अगर मुझे एक कपड़े में निकालने पड़े तो पूरे कपड़े नीचे गिराने पड़ते हैं। भरी घड़ी में क्या ही बताओ, जा रहा हूँ, आंखों में नमी है, दिल में प्यार की कमी है, तो बहुत ही दुख के साथ सूचित करना चाह रहा हूँ। मतलब मेरी मम्मी जो है ना पूरी कोशिश कर रही है कि मैं ना जाऊँ ना जाऊँ, बट मैंने मान लिया है और मैंने ठान लिया है कि आई हैव टू गो, और गो और गो एंड गो 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 गो, जाना है तो जाना है मेरे को। तो प्लानिंग हो गई है, अगर मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा तो आज ट्रेन मेरा ब्लॉग बना के चली जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा चलो थोड़ा और पैकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कह रही मम्मी फ़ोन करके? हाँ? दीदी क्या कह रही फोन करके? मानी दीदी हाँ कैंसिल कर दें। क्यों क्यों? मेरे पास सबको जाना ही है। अच्छा तो आपने एक टिकट मेरा कल कैंसिल करवाया, हाँ, परसों हाँ, रात फिर चार ही अपना जाए, तो ये पूरी पूरी साजिश से आपकी कि मैं ना जाऊं, हाँ, पर मेरे को जाना पड़ेगा। कैसी घड़ी आई है आज, पक्का मेरी जुदाई है क्योंकि मेरा ट्रेन तत्काल टिकट है, कैंसिल नहीं करूंगा। ज्यादा इमोशनल ब्लैक मत करिए, ठीक है ना, जाना तो पड़ेगा ना, आप लोग कहने की वजह से हम दो महीने से ही रुके हैं, डेढ़ से जब परसों ही सब साथ में साथ में नहीं अच्छा क्या परसों? मम्मी मुझे जाना फ्लैट में सफाई भी करनी, सामान वन क्या कम है क्या ज्यादा सब कुछ करना है ना, वो फ्लैट सब जा रहे हैं, एक दिन जाना है वहाँ पे, रुकना है, सेकंड डे जाना है, इसीलिए तुम जा रहे सही बता रहे हैं, इसलिए नहीं वो काम भी ना काफी मैनेजमेंट वहाँ पे भी देखना ना, सब इधर उधर हो गया होगा ना, मानिए आप। रिया क्या कर रही आप, हाँ क्या कर रही बोलोगी, आम काट क्या बनेगा इसका, मेरे घर में खटाई की तैयारी हो रही है। और ये हैं चाचा जी जो काफ़ी स्मार्ट है, इनको आप देख के इनकी उम्र नहीं बता सकते हैं। टाइम हो चुका है मेरा घर से निकलने का क्योंकि आधे घंटे में ट्रेन है और ज़्यादा देर करूँगा तो ट्रेन जो है मुझसे खफा हो जाएगी और इलाहाबाद में मुझे छोड़ के दफा हो जाएगी। तो थोड़ा जाते जाते टाइम, आँखों में नमी है, प्यार की कमी है, जो सबसे अच्छा शहद है उसका नाम डाबर है नहीं है, उसको खरीदने के लिए जो चाहिए वो मनी है। खैर मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यार। अच्छा तो हम चलते हैं। आपको पता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो सबसे मिल के जाता हूँ, तो मतलब मिल के जाता मतलब दादी से जरूर मिलना है मेरा। अच्छा दादी जा रहे नोएडा, हाँ दिल्ली, हाँ हम 21 साथ, ठीक है जा रहे आएंगे, हाँ हाथ ना जोड़िए अब जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा अपना, जब कोई दिक्कत हो बताइए आ जाएंगे, हाँ और रोइए कि नहीं, नहीं तो दवा बताइए ना, दवा मंगा दी ना, हाँ नहीं नहीं अभी नहीं जाएंगे आप, मेरी शादी के बाद ये बताइए दवा दवा कौन सी लेंगे, दवा मंगा दें,
हाँ तो बता दीजिएगा मम्मी को, लाइट बंद कर देना। काफी चिंतित पर मुंह पे मुस्कान। बाबा बाबा से मिले नहीं, पापा के नहीं मिले, तो चलिए हम बाबा को एक बार मिलवा देते। ये है मेरे बाबा, आपने मेरे हाथ पे टैटू देखो का बाबा लिखा हो ना, तो वो इन्हीं के लिए, माय ग्रैंडफादर। आई लव यू बाबा, जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आज तो यार ट्रेन छूटते छूटते बची है भाई, एक मिनट बाकी है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ, चुका हूँ, छूटते छूटते ट्रेन पकड़ लिया यार, मज़ा आ गया दौड़ने का। तो चलता हूँ मैं, देख देखता हूँ मेरी बर्थ कौन सी है। हाँ यार गाइस, वैसे लेट है नहीं, हैप्पी जर्नी विश कराता हूँ यार। आ गया हूँ दिल्ली स्टेशन पे, मुझे ट्रेन ने उतार दिया है ठीक 7 बजे। करने मुझे आ गए मेरे दो भाई छोटे, एक विजय है और एक है किस्तेज। की हाल चाल भाई? बढ़िया। कितना देर वेट करे मेरा? 15 मिनट। हाँ 15 मिनट, 15 मिनट करे ना। और मैंने तुम्हें 6 बजे बुलाया था, तुम मतलब देर में आया। दिल्ली देख लो, धारावाहिक जोगिंदर नहीं, ये नहीं बोलूंगा कि डरता नहीं है, वो हेलमेट था नहीं, नहीं तो पता लगा मुझे पुलिस दूर डाल के जाएगी जरा, पहले चलान काट तुम्हारा भाई। आज के हमारे रेपुटेड राइडर हैं ओटीपी भाई साहब, आपने ली गेट बंद कर लो गाड़ी का, मैंने बोला राइडर है आज की। नहीं भैया गेट बंद कर लो ना गाड़ी का। अच्छा गेट बंद कर ले, देख रहे हो 4 व्हीलर आए थे मेरे भाई लोग मुझे ले। पसंदी के टांगे में खाया जैसे नहीं हिलता, वो ऐसा नहीं हिल रहा वो।
भाग बतंती भाग। किसी को भी अगर ऐसा मिला तो हेल्प कर देनी चाहिए, कोई जरूर जल्दी जो हेल्प कर सको जरूर करो यार, नहीं कर सकते तो अलग बात है, बट अगर आप कर सकते हो जरूर करो। ये इतनी ज़्यादा चढ़ान थी और इतना ओवरलोडेड था इनका सामान, ये बेचारे पैदल भी नहीं खींच पा रहे थे, तो हम लोग तो डबल में थे, तो इधर हम लोग तो सपोर्ट नहीं, और तो विजय ने विजय अकेला था, तो विजय अकेले हेल्प कर रहा है, और देख रहे हो विजय की मतलब पावर देख। तो ये मैं पहुँच चुका अपने सोसाइटी, मेरी जो बिल्डिंग है बस जस्ट इसके पीछे वाली बिल्डिंग है, चलते हैं। पहले मैं अकरम अंकल से मिलूँगा, उनकी चाय मुझे बहुत पसंद है, पहले उनकी चाय पीऊँगा फिर फ्लैट चलता हूँ। सुना है किधर से सब दुकानें हट गई हैं, रोड थोड़ा सा बड़ी हुई तो हटा दी गई है, देखता हूँ अकरम अंकल भी वहाँ पे है, चाय चेंज हो गई है या फिर वही जगह पे है। सर आपका कितना हुआ पेमेंट? वैसे मैं जा करता ये छोटा भाई है यार, लेने आते स्टेशन, दोनों भाई अपने अभी भी बस लेके पहुँचे हैं, बस चाय पी रहे हैं। और इधर मौसम देख रहे हो कैसा, थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश जैसा हो रखा है ना, ठंडा मौसम है ना अभी, हो सकता सुबह की वजह से हो ऐसा। ये रहे अपने MD अंकल, ये रहे इनकी चाय, बहुत अच्छी है। तो हम आ गए अपनी सोसाइटी, ये मेरी सोसाइटी, काफ़ी टाइम बाद आ रहा ब्लॉग्स, 1.5 महीना हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा देखकर बाद। इधर अपना जो है बैडमिंटन कोर्ट है, इधर बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग साथ में, तो ये हमारे लिए बनाया ना कि खेल सकते हैं, इधर हमारा पूल है। हाँ देखो मेरा पूल स्टार्ट हो गया, देखो पूल, देखो और दिखा जाता हूँ पूल, और ये हमारा पूल है यहाँ का, आज जाऊँगा मैं। ये वाली लिफ्ट पहले आ गई, 3 दिन लिफ्ट है ना, कोई भी जो है जो पहले आ गए। कौन सा फ्लोर है? 17 खतरा, 17 पे खतरा। और तुम फोन सीधा कर दिए, तुम पता फोन सीधा करके बनाए थे क्या? अच्छा उस समय घुमा दिए, सही है, थोड़ा चेंजेस आने चाहिए लाइफ में, और फोन में भी अब ब्लॉग भी। हाँ बैग अच्छा लग रहा हूँ, माय लाइफ माय रूल माय गमना माय फूल वाला पोज है ये।
पास किया ही चाहिए। 10, 11 कॉन्टेंट बोलो, 12, 13 पता है यहाँ पर है। एक चीज बता दूं आप लोगों को सही में, जो इधर कनेक्टेड सिर्फ इधर की है कैमरा, कोई भी सोसाइटी में से बस रूम माना जाता है, तो यहाँ पे 13th floor कोई भी सोसाइटी में यहाँ पे नहीं होता। आप कभी भी नोटिस करोगे सीधा 12 के बाद 14 आएगा, 13 कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो भी है अशुभ माना जाता है, 13th floor पे बनाया जाता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने फ्लैट, और फ्लैट पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत गंदगी भी फ्लैट में बाकी है, बाकी रहा अपना बेड और कुछ सामान। जब मैं घर गया था तो मैं रेंट पे ले रखा था तो उन्हें वापस कर दिया था, तो फिर से मंगाना है लाइक फ्रिज। और मैं तो गया था थोड़ा सा, जब गया था तो ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं थी तो एसी नहीं लगाया था, बट एसी अभी लगवाना है। और वॉशिंग मशीन और फ्रिज को मैंने जो है रिटर्न कर दिया था, तो सो फिर आ गया, फिर से लेना है। और ये रहा मेरा सेकेंडरी रूम, जब गेस्ट आते हैं फ्रेंड आते हैं उधर पार्टी वार्टी करने के लिए होता है थोड़ा सा। तो और बालकनी तो आपको दिखाई ना, बालकनी मेरी काफ़ी रुको, अभी दसा किचन जो तोसु जी ने बना रखा है, और ये रही एक बालकनी मेरी। और जैसे कि मैंने पूल दिखाया, ये देखो टेनिस कोर्ट है, इधर टेनिस खेल सकते हैं अपन। और ये हो रहा दूसरी बालकनी अपनी, और ये रहा मेरा वॉशरूम, और ये रहा दूसरा वॉशरूम, ये रहा मास्टर बेडरूम। फाइनली ब्लॉग एंड करता हूँ क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। और ये था मेरा कुछ मतलब नोएडा का रहने का, मेरा ये सब मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताना। और हाँ, जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, प्लीज़ जाके उधर मेरे को फॉलो कर लो, उधर मैसेज करते हैं, उधर बात भी कर सकते हैं हम लोग अपन। और ऐसे प्यार बनाए रखो। फॉर वॉचिंग, और मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रिप पे, 2 ट्रिप हैं, तो आप लोग बताओ मतलब लोग किसी को पता है कि पहला ट्रिप मेरा कहाँ है, दूसरा ट्रिप कहाँ का है, तो मैं आप लोग ऑप्शन दूँ या फिर ऐसे बताओगे। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और जम्मू, इन सब में से पहला टूर मेरा कौन सा है, ट्रिप कौन सा है, पहले ये बताओ। जो भी इसका आंसर देगा उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में लूँगा और बताऊँगा जिन्होंने सही आंसर दिया। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।